गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं संजीव भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के अंतर्गत BLISS 03 कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस के ब्लॉक वन में यूनिट वन और टू का अध्ययन करेंगे। ब्लॉक वन कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स में यूनिट वन आपकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग नीड एडवांटेजेस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड यूनिट में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे। यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग नीड एंड एडवांटेजेस एंड टाइप्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? बेसिकली नेटवर्किंग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका होती है, जिसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में वायर के थ्रू या वायरलेस टेक्निक के द्वारा कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? तो अ नेटवर्क क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट एक्सचेंज डेटा एंड रिसोर्सेस विथ ईच अदर। नेटवर्किंग का पर्पज़ क्या है? कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, रिसोर्सेस को शेयर कर सकें। नेटवर्क सेटिस्फाई अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्पज एंड मीट वेरियस रिक्वायरमेंट्स। सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर। कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम लोग नेटवर्किंग करते हैं? तो पहला है आपका टू प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस रिसोर्सेज। कई रिसोर्सेज आपके बहुत दूर होते हैं लोकेशंस में, तो उनको आपस में कनेक्ट करना और रिसोर्स की शेयरिंग। सबसे बड़ा पर्पज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या है? रिसोर्स की शेयरिंग करना। एज इंफॉर्मेशन डेटाबेस और प्रोसेसर्स, रिसोर्स शेयरिंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। जैसे आपने साइबर कैफे में देखा होगा कि वहाँ पे कई तरीके के कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो प्रिंटर होता है वो सिर्फ एक होता है, एक या दो प्रिंटर वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हर कस्टमर को प्रिंटर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो करते क्या है वहाँ पे कि एक प्रिंटर कनेक्ट कर देते हैं, जिसको नेटवर्क के थ्रू सभी में हम लोग शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का नेटवर्किंग में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, और यहाँ तक कि हम लोग सॉफ्टवेयर को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। आजकल बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, रिमोट लॉगिन के थ्रू आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग यूज़र्स। यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए भी हम लोग नेटवर्किंग को करते हैं। थर्ड, टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी थ्रू बैकअप एंड रिडंडेंसी। कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या यूज़ है? जैसे नेटवर्किंग की गई है तो उससे क्या होता है, आपके पास रिलायबिलिटी आती है। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनसे अपनी फंक्शनिंग को कर सकते हैं। एंड रिडंडेंसी, कभी कभी क्या होता है, हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कई सिस्टम्स में, कई सर्वर्स में, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट करके उसको रखना, किसी एक इंफॉर्मेशन को कई कंप्यूटर्स में स्टोर करना। मान लीजिए एक सर्वर आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे कंप्यूटर या दूसरे सर्वर से नेटवर्किंग के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी एंड बैकअप आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ है आपका टू प्रोवाइड
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, अपनी प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस को कई सिस्टम्स के थ्रू प्रोसेस कराते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े वर्क होते हैं जिनको हमें पैरेलल रन कराना होता है, तो वहाँ पे हम लोग कई सिस्टम्स, कई प्रोसेसर को पैरेलली रन कराते हैं, जिससे आपका पैरेलल प्रोसेसिंग सक्सेसफुली वर्क करती है। फिफ्थ है आपका टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जैसे आपके पास कई कंप्यूटर हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक सर्वर के थ्रू उसको डील करते हैं, किस पर्सन को हमें कौन सी परमिशन देनी है, किस कंप्यूटर से कौन सी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी, इसका मैनेजमेंट भी हम लोग सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस कंप्यूटर को कौन सा रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा या परमिशन दी जाएगी, ये सारे काम हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क्स के टाइप की। तो कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं इनको हम लोग बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। और थर्ड है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये जो तीन कैटेगरीज हैं इनको हम लोग इनके ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कवरेज के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये आपके एक छोटे से एरिया को कवर करता है। जनरली एक स्कूल के अंदर हम नेटवर्किंग जब करते हैं, किसी हॉस्पिटल में नेटवर्किंग करते हैं, किसी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में अगर नेटवर्किंग करते हैं, किसी एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, तो ऐसी नेटवर्किंग को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स थ्रू वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इज इंटायरली कनेक्टेड इन अ बिल्डिंग और टू। क्या होता है, इसमें या तो एक या दो बिल्डिंग्स को हम लोग जनरली इसमें कनेक्ट करते हैं। इट इज रिलेटिवली अ स्मॉल नेटवर्क, टिपिकली पर्सनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ लैंस इंक्लूड स्कूल्स, किसी स्कूल में अगर आपने नेटवर्किंग की है, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ फिगर आप देख रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क का, जिसमें कि किसी एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग को किया गया है। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैन। लैन की अगर बात करें लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके की नेटवर्किंग होती है। पहला है आपका क्लाइंट सर्वर लैन और सेकेंड होता है आपका पीयर टू पीयर लैन। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो सबसे पावरफुल होता है और पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। सर्वर के द्वारा हम क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट वो कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर से अपनी फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अगर उसको कोई क्वेरी करनी है तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट सर्वर लैन एंड पीयर टू पीयर लैंस, दो तरीके के नेटवर्किंग बताई हमने लैन में। अ क्लाइंट सर्वर लैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिवाइसेस, उसमें क्या होती हैं, कई तरीके की डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम लोग क्लाइंट्स बोलते हैं। कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर, वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं और सर्वर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक पावरफुल डिवाइस होती है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है। द सर्वर मैनेजेस फाइल स्टोरेज, सर्वर क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है, एप्लीकेशंस को एक्सेस करने में हेल्प करता है, डिवाइस को एक्सेस करने में करता है एंड नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क के ट्रैफिक को भी मैनेज करता है। अ क्लाइंट कैन बी एनी कनेक्टेड डिवाइस that runs or accesses applications or the internet, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है, जो कि सर्वर से अपने रिक्वेस्ट को करता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। द क्लाइंट्स कनेक्ट टू द सर्वर, क्लाइंट क्या होगा, सर्वर से कनेक्ट होगा, आइदर विथ केबल, या तो केबल के थ्रू कनेक्ट होगा
और थ्रू वायरलेस कनेक्शंस, या फिर वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू भी आपस में कनेक्शन होता है। तो ये तो पहला हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल। सेकंड क्या है, पीयर टू पीयर लैन। पीयर टू पीयर लैन में क्या होगा, डज नॉट हैव अ सेंट्रल सर्वर, इसमें कोई सर्वर नहीं होगा, इसमें जितने भी डिवाइसेस होंगी वो इक्वली पावरफुल होंगी आपस में, एंड कैन नॉट हैंडल हैवी वर्कलोड लाइक अ क्लाइंट सर्वर लैन। इसमें क्या होता है, कोई क्लाइंट सर्वर नहीं होता है, हर डिवाइस को इक्वल प्रिविलेज दी जाती है, एक्सेस परमिशंस होती हैं, और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन को करती हैं। ऑन अ पीयर टू पीयर लैन ईच डिवाइस शेयर्स इक्वली इन द फंक्शनिंग ऑफ द नेटवर्क। पीयर टू पीयर में क्या होता है, हर डिवाइस को इक्वल वेटेज दिया जाता है। द डिवाइसेज शेयर रिसोर्सेज, डिवाइसेज क्या करती हैं, आपस में रिसोर्स को शेयर करती हैं एंड डेटा थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस टू अ स्विच और अ राउटर। मोस्ट होम नेटवर्क्स आर पीयर टू पीयर, जितने भी नेटवर्किंग हम लोग घर में करते हैं वो क्या होती हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग कहलाती हैं। सेकंड है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन में क्या होता है, किसी एक सिटी के अंदर हम लोग नेटवर्किंग को करते हैं, किसी एक बिल्डिंग से किसी दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट किया जाता है। टू और मोर लैंस, इसमें क्या होता है, जो लैन अभी आपने पढ़ा था, इसमें दो या दो से ज़्यादा लैन को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इन द सेम मेट्रोपॉलिटन एरिया कनेक्टेड टुगेदर आर कॉल्ड मैन। ठीक है, मैन का फिगर देख लीजिए, तो मैन में क्या होता है, कई तरीके के छोटे छोटे लैंस को हम लोग आपस में कनेक्ट करके अपनी नेटवर्किंग को करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो नेटवर्क होगा क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से किसी कॉलेज का लैन आपका क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी फैक्ट्री का लैन है और किसी स्कूल का लैन है। अगर हम इन छोटे छोटे लैंस को कनेक्ट करना चाहते हैं आपस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस नेटवर्किंग को मैन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और थर्ड है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया, जैसा कि इसका नाम है, अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सबसे बड़े एरिया को जो नेटवर्क कवर करता है उसे हम लोग बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड कवर्स डिफरेंट सिटीज। दो सिटी को कनेक्ट करना हो अगर आपको, दो स्टेट को कनेक्ट करना हो, एंड सम टाइम इवन कंट्रीज इज नोन एज वैन। अगर आपको दो कंट्री को भी कनेक्ट करना है तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हम सभी इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट इसी कैटेगरी का एक नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, कई कॉन्टिनेंट, कई कंट्रीज आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं, लेकिन इनके अंदर जो नेटवर्किंग होगी वो या तो वाइड, या तो मैन होगी या फिर लैन के थ्रू कनेक्ट होगी। छोटे छोटे लैंस मैन को आपस में कनेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो पहली यूनिट आपकी यही थी आज, जिसमें कि हमने नेटवर्क और उसके टाइप्स को पढ़ा। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में आते हैं, यूनिट नंबर टू, नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो अभी आपने नेटवर्क को समझा कि नेटवर्क क्या होते हैं, कितने तरीके के नेटवर्क्स हैं। अब इन नेटवर्क्स को डील करने के लिए हमें कुछ टोपोलॉजीज को यूज़ करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड। सिंपल डेफिनेशन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या, जितने भी कंप्यूटर्स आपके हैं जिन्हें हमें कनेक्ट करना है, उन्हें हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो वो जो इस फ्रेम में कनेक्ट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज में डिफाइन बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क।
अब टोपोलॉजीज़ की अगर बात करें तो कंप्यूटर में जो सिस्टम कनेक्ट होंगे वो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर को देख करके समझ जाएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। वो वायर या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। सेकेंड है आपका लॉजिकल। लॉजिकल में क्या होता है, थ्रू प्रोग्रामिंग या प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग नेटवर्किंग को मैनेज करते हैं। उसे आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सी टोपोलॉजीज इसमें यूज़ हो रही है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है। आपके सिलेबस में जो है वो है फिजिकल टोपोलॉजीज। तो फिजिकल टोपोलॉजीज क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी इज सिंपली वेयर द वर्क स्टेशंस, वर्क स्टेशंस का मतलब कंप्यूटर्स जो कनेक्ट हैं, एंड केबल आर फिजिकली प्लेस्ड। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को हम लोग केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, और फिजिकली आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी, इज नॉट वेयर द डिवाइसेज आर फिजिकली पोजिशन। इसमें क्या होता है, डिवाइस फिजिकली आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सी टोपोलॉजीज यूज हो रही हैं। इट इज़ द एक्चुअल पाथ ऑफ डेटा सिग्नल। ये क्या करता है, डेटा सिग्नल के पाथ को मैनेज करता है थ्रू अ प्रोटोकॉल्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं। प्रोटोकॉल्स होती हैं सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए हमें कई स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स। तो जितनी भी लॉजिकल टोपोलॉजी होती हैं वो एक रूल के तहत उनको हम लोग मैनेज करते हैं। उन्हें आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल टोपोलॉजीज। इस सेक्शन में हम लोग फिजिकल टोपोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। तो अगर बात करें फिजिकल टोपोलॉजीज़ को, तो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़, विच आर कौन कौन सी हैं। पहला है आपका बस, बस टोपोलॉजी। सेकंड है आपका रिंग टोपोलॉजी, स्टार, ट्री, मेस एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हर टोपोलॉजीज का अपना एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अकॉर्डिंग टू नीड हम उनको अपने नेटवर्क में यूज़ करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी टोपोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें एक जो आप सेंटर में देख रहे हैं वायर, इसे बोलते हैं बैकबोन केबल। एक वायर होती है जो दोनों तरफ से टर्मिनेट होती है। अब ये टर्मिनेट क्यों होती है इसको बताएंगे। और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें हम लोग इसी बैकबोन केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिग्नल वन वे कम्युनिकेट करता है इस तरीके से। और क्योंकि सिग्नल यहाँ से बाउंस बैक ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इनको टर्मिनेट कर देते हैं। अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो सिग्नल क्या होगा, यहाँ से वापस आके फिर इसी केबल में बाउंस बैक करेगा, जो कि होना नहीं चाहिए इस तरीके का। तो बस में क्या होता है, द बस टोपोलॉजी इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशंस, जितने भी स्टेशंस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल। एक केबल के थ्रू सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नोन एज बैकबोन केबल। ये जो सेंटर में आप लोग देख रहे हैं केबल, दैट इज बैकबोन केबल। और हर डिवाइस को हम लोग इन्हीं से कनेक्ट कर देते हैं। ईच एंड ऑफ द केबल इज टर्मिनेटेड, और दोनों तरफ के एंड को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, दस प्रिवेंटिंग सिग्नल बाउंस बैक। इसलिए कनेक्ट टर्मिनेट करते हैं क्योंकि सिग्नल आपके बाउंस बैक ना हो, वापस ना जाए, ठीक है। यहाँ से सिग्नल अगर पास हो गया तो आगे जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। कोई भी डिवाइस आपकी या तो बैकबोन केबल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, या ड्रॉप आउट सिग्नल के थ्रू उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। एक वायर के थ्रू वायर लाके इसमें फ्यूज़ करके इसको कनेक्ट किया जाएगा इससे, ठीक है। तो दो तरीके से कनेक्टिविटी की जा सकती है। व्हेन अ नोड वांट्स टू शेयर
सेंड अ मैसेज, कोई भी कंप्यूटर अगर मैसेज सेंड करना चाहता है ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, ये क्या करेगा, इस नेटवर्क में एक मैसेज को सेंड करेगा। और होगा क्या, सपोज इस कंप्यूटर नंबर 4 को कंप्यूटर नंबर 3 को मैसेज देना है, तो यह करेगा इस केबल में अपने मैसेज को डाल देगा और उसमें इस कंप्यूटर के एड्रेस को भी डालेगा, जो कंप्यूटर नंबर 3 को मैसेज जाना है उस मैसेज को और उसके एड्रेस, उस लोकेशन को भी हम लोग इस केबल के थ्रू वो सेंड करेगा। अब वो मैसेज क्या होगा, हर कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर नंबर 1 के पास भी जाएगा, तो कंप्यूटर 1 देखेगा क्या ये मैसेज मेरे लिए है, तो वो देखेगा कि इस मैसेज में मेरा एड्रेस तो है नहीं, तो वो उस मैसेज को छोड़ देगा। फिर वो मैसेज आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से कंप्यूटर नंबर 2 के पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, दोनों आपस में चेक करेंगे कि क्या इस मैसेज में मेरा एड्रेस है, तो उसको एड्रेस नहीं मिलेगा तो आगे जाएगा। और जब कंप्यूटर नंबर 3 के पास जाएगा तो वो देखेगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही है क्योंकि इसमें मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है, तो उस मैसेज को रीड कर लेगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से मैसेज को हर कंप्यूटर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज होता है वही उसको एक्सेस करता है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज़ क्वाइट सिंपलर, ये सबसे सिंपल टोपोलॉजीज होती है। इसमें एक वायर को बिछा करके हर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज, अदर टोपोलॉजीज के कंपेयर में ये टोपोलॉजी सबसे आसान है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए दो कंप्यूटर एक साथ मैसेज कर देते हैं एक समय में, तो वो केबल जो बैकबोन केबल है वो क्या हो जाएगी, उसमें कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपके पास द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड यूज करते हैं ऑफ द बस टोपोलॉजी इज CSMA CD, इसे क्या बोलते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ये मेथड इसमें यूज होता है। सपोज दो कंप्यूटर एक साथ मैसेज कर देते हैं सेम समय पे, सेम टाइम पे, तो वहाँ पे CSMA CD क्या करेगा, किसी भी के भी मैसेज को सेंड नहीं करेगा, होल्ड कर देगा, ठीक है। तो अगर दो कंप्यूटर एक साथ मैसेज करते हैं तो ये प्रॉब्लम इस बस टोपोलॉजी में आती है, ठीक है, इसमें डिले हो सकता है। तो CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन इज एन एक्सेस मेथड यूज टू डिटेक्ट द कोलिजन, कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए CSMA CD का मेथड यूज किया जाता है। जब दो डिवाइसेज एक साथ मैसेज कर देंगी तो वहां पे कोलिजन होगा और कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। और जब कोलिजन डिटेक्ट होगा तो क्या होगा, द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिशन, तो उस वक्त दोनों सेंडर अपना ट्रांसमिशन रोक देंगे। Therefore, it works on recovery. और तब जो आपका बस टोपोलॉजी है वो रिकवरी करेगी और रिकवरी करने के बाद ही कोई कंप्यूटर अपना मैसेज को सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ मैसेज करते हैं तो कोलिजन आने का उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, पहला तो है इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत खर्चीला नहीं होता है, बहुत लो कॉस्ट में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। रिक्वायर लेस केबल, केबल की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक ही बैकबोन केबल के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इसमें नेटवर्क मैनेज जो करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईजिली इसको मेंटेन किया जा सकता है। और गुड चॉइस फॉर स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होती है। इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज टेस्ट इक्विपमेंट, इसमें आपको टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि अगर कोई डिवाइस में फॉल्ट आता है, जो बैकबोन से कनेक्टेड डिवाइसेज हैं अगर किसी में फॉल्ट आती है तो उसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इफ़ एनी फॉल्ट अकर्स, अगर कोई फॉल्ट आती हैं इन द केबल, देन इट वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द नोड्स, किसी एक डिवाइस में अगर फॉल्ट आती है तो पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। हैवी ट्रैफिक कॉज
कंसिडरेबल स्लो डाउन एंड नेटवर्क क्रैश। जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेज आपने बढ़ा दी इसमें, तो इसमें कोलिजन होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं, और कोलिजन होगा तो नेटवर्क आपका जाहिर सा है स्लो हो जाएगा। तो इसके दो ड्रॉबैक्स हमने बताया आपको। सेकंड बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग जैसे कि बस टोपोलॉजीज होती हैं, उसी तरीके से रिंग टोपोलॉजीज भी काम करती हैं। बस इसमें होता क्या है, जो टर्मिनेटर थे आपके बस टोपोलॉजी के, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक रिंग बना देते हैं, एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें। जैसा मैंने कहा फिजिकल टोपोलॉजीज में क्या होता है, आप चीज़ों को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो रिंग टोपोलॉजीज में क्या होता है, लाइक बस टोपोलॉजी, जैसा कि बस टोपोलॉजीज आपने देखा, ऑल कंप्यूटर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द सेम केबल, एक ही केबल से सभी चीज़ें कनेक्ट होंगी, बट विथ कनेक्टेड एंड्स, इनके जो एंड होंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक सर्कल बन जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं होगा, जैसा कि बस टोपोलॉजी में हमने बताया था टर्मिनेटर होता है, सिग्नल आपके लॉस हो जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज, कोई भी नोड जो मैसेज को रिसीव करेगा फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। सपोज डिवाइस नंबर 4 को मैसेज करना है डिवाइस नंबर 1 को, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये इसको मैसेज करेगी, ये डिवाइस 5 को मैसेज करेगी, ये मैसेज क्या होगा आगे जाएगा इसके पास, फिर ये इसको फॉरवर्ड करेगा, देन आगे जाके वो मैसेज रिसीव होगा। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, इसमें क्या होता है डेटा फ्लो को हम वन डायरेक्शन में मैनेज करते हैं, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्लॉकवाइज यूज़ करना है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो पहले से फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी हम एंटी क्लॉकवाइज यूज़ कर रहे हैं कभी क्लॉकवाइज, वो डिसाइड हो जाता है कि कौन सा डायरेक्शन आपको यूज़ करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। द डेटा फ्लो इन अ सिग्नल सिंगल लूप कंटिन्यूसली नोन एज एंडलेस लूप, इसमें क्या होता है डेटा आपका इसी लूप में मूवमेंट करता रहता है। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड, जैसा कि बस टोपोलॉजी में आपने देखा था वहाँ पे टर्मिनेटेड एंड्स होते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, टर्मिनेटेड एंड्स को आपस में कनेक्ट करके एक लूप बना दिया जाता है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू द अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट। द डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्या होता है जनरली हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए। अगर डिवाइस वन को 5 को देना है तो ऐसा नहीं डिवाइस वन यहाँ से सेंड कर देगी डेटा, वो हमेशा एक प्रोटोकॉल को यूज़ करेगी, क्लॉकवाइज 2 पे जाएगा मैसेज, 3, 4 देन 5 पे, तो किसी एक डायरेक्शन को डिसाइड किया जाता है। दिस टोपोलॉजी वर्क ऑन द टोकन बेस्ड सिस्टम, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें जो मैसेज पास होते हैं वो टोकन के थ्रू पास होते हैं। टोकन क्या होता है, टोकन एक फ्रेम होता है और टोकन डिसाइड करता है कि कौन सा कंप्यूटर मैसेज कर सकता है। इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, टोकन मूव करता रहता है, जिस भी कंप्यूटर को अपना मैसेज सेंड करना है वो उस टोकन को कैप्चर करेगा। सपोज डिवाइस नंबर 4 को मैसेज करना है तो वो जो टोकन मूव कर रहा है तो सबसे पहले डिवाइस नंबर 4 क्या करेगी, उस टोकन को कैप्चर करेगी, और टोकन को कैप्चर करने के बाद अपने मैसेज को उसमें पुट करेगी, रखेगी, और जिस डिवाइस को मैसेज पहुंचाना है उसके एड्रेस को भी उसमें रखेगी। सपोज डिवाइस 4 को डिवाइस 1 तक मैसेज भेजना है तो सबसे पहले डिवाइस नंबर 4 उस टोकन को कैप्चर करेगी, उसमें डिवाइस 1 का जो आईपी एड्रेस होगा उसको रखेगी और उसको इस रिंग में फ्लोट कराएगी। क्योंकि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो मैसेज क्या होगा, जो टोकन होगा वो पहले 5 के पास जाएगा और 5 उसको देखेगा कि क्या इसमें मेरा आईपी एड्रेस है, तो 5 का आईपी एड्रेस तो होगा नहीं, तो वो मैसेज आगे जाएगा 6 के बाद, 6 के बाद वो आएगा 1 के पास, तो 1 देखेगा कि इसमें मेरा आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है तो ये मैसेज मेरे लिए है, वो उस टोकन को कैप्चर कर लेगा और उसमें से मैसेज को रीड करके फिर टोकन को फ्री कर देगा, फिर वो टोकन क्या हो जाएगा, फिर इस रिंग में मूव करेगा। तो इसमें टोकन बेस्ड मेथड होता है जिसमें जिसको भी मैसेज करना होता है जिस डिवाइस को, सबसे पहले वो उस टोकन को कैप्चर करती है, ठीक है।
A token travels from computer to computer until it reaches a node waiting to transmit data. तो उस कंप्यूटर के पास जाएगा टोकन जिसको कि मैसेज करना है. द डेटा देन अटैच टू द टोकन. डेटा क्या होगा आपका, उस टोकन में अटैच किया जाएगा एंड इज डिलीवर टू द रिसीविंग डिवाइसेस. और वो रिसीविंग डिवाइस तक टोकन आपका जाके उस मैसेज को पहुंचा देता है. द टोकन देन कंटिन्यू अराउंड द रिंग्स. और टोकन क्या होता है, फिर उसी रिंग में फिर से मूव करने लगता है. तो जिस भी डिवाइस को मैसेज करना होता है वो उस टोकन को कैप्चर करता है. आइए आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडिशनल कंपोनेंट डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क. अगर किसी डिवाइस को इसमें जोड़ना है, आपको एक्स्ट्रा डिवाइस को जोड़ना है, तो इसमें नेटवर्क को कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं होता है. नेटवर्क आपका कंटिन्यूस वर्क करता रहता है. वेरी रिलायबल एज इट हैंडल ट्रैफिक वेल. जैसा कि बस में ही देखा था आपने कि अगर दो डिवाइसेज आपस में एक साथ मैसेज कर देती हैं तो आपका कोलिजन हो जाता है, और कोलिजन होने पे फिर आपका नेटवर्क वर्क नहीं करता है कुछ देर के लिए. लेकिन क्या है इसमें, इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें आपको अभी बताया कि टोकन बेस्ड सिस्टम होता है. तो जिस भी डिवाइस के पास टोकन होता है वो उसको एक्सेस करके ही मैसेज करेगा. तो इसमें एक समय में, वन टाइम में एक ही डिवाइस आपकी मैसेज कर सकती है. कोलिजन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है. डिसएडवांटेज की बात करें अगर, द मेन ड्रॉबैक ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज दैट इफ वन नोड फेल्स, अगर एक नोड आपका फेल हो जाता है देन द कंप्लीट नेटवर्क विल गो डाउन. क्योंकि इसमें हमने बताया था कि एक रिंग बनी होती है, तो अगर कोई भी एक नेटवर्क, कोई भी एक डिवाइस आपकी वर्क नहीं करती है तो आपका रिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा और नेटवर्क आपका क्रैश कर जाएगा. इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग देन अ बस. इसमें क्या होता है, बस के से कंपेयर में आपको ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग एंड्स होती हैं उनको आपस में आपको वापस ला के जोड़ना होता है. तो वो जो केबल का कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है इसमें. तो आज पार्ट वन में हम लोग ने दो टोपोलॉजीज को जाना, पहला बस और दूसरा रिंग टोपोलॉजी. सेकंड पार्ट में हम लोग बची हुई चार टोपोलॉजीज को भी समझेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.